आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळेकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल्स है, एक में हम रिश्तेदारों के साथ में पेशेंट को भर्ती करते हैं, दूसरे में बिना रिश्तेदार पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं। सभी तरह का मानसिक समस्या जो है, सभी तरह की उसका इलाज हमारे यहाँ होता है। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसनमुक्त भारत, ये हमारा संकल्प है और इसमें हम काम करते हैं। तो आइए, वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो ये जो पेशेंट मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको शराब की लत थी, शराब की आदत, कभी शराब पीता था और शराब से मतलब उसका पूरा फैमिली बर्बाद हो चुका था। तो रिलेटिव्स ने बहुत मुश्किल से उसको हमारे यहाँ लाया, उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, मगर यहाँ ला के उसको दाखिल करवाया और उसका हमने फिर इलाज किया। उसको क्या है कि शराब छोड़ने के बाद में नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, घबराहट होती है, तो उसका हमने इलाज किया। उसको फ्लूइड्स दिया, आईवी फ्लूइड्स दिया, उसको नींद वगैरह अच्छी आना चालू कर दिया, चालू हो गई। बाद में वो धीरे धीरे तैयार हो गया कि नहीं, मेरे को शराब छोड़ने की है। देखिए इसका इंटरव्यू, अभी ये क्या बोलता है। तो आइए देखिए, अभी हमारे पास में ये पेशेंट हैं और उनको शराब की लत थी और शराब की लत थी, काफ़ी शराब पीते थे। अभी कुछ दिन से हमारे यहाँ एडमिट है, तो अभी इनको ज़रा पूछते हैं कि अभी कैसा लग रहा है, क्या है। तो एकदम बताइए, एकदम अच्छा लग रहा है। हाँ, क्या हो गया था आपको? कहीं नहीं, तरस हो जाता जवन जात न, भूख नहीं लगती थी, भूख लागत नव्हती काही। और क्या होता था? आणि भूख म्हणजे सकाळी दिवस उठला म्हणजे ती पाहिजे। हां, सुबह उठने के बाद में शराब लगती थी। लागती। हां, फिर बाद में क्या हुआ? भाकर नसली झालं। हां, मतलब खाना नहीं लिया तो भी चलता है, शराब पाहिजे। हां, फिर बाद में क्या हो गया? बाद में आता तुम पूरा चांगलं वाटायला लागलं। हां, अच्छा लग रहा था। हां, एकदम अच्छा। हां, अभी इसके बाद में अभी गोलियां वगैरह लेंगे बराबर? हाँ, गोलियां में वाह वाह तुमने जैसे तो ना। इलाज क्या हो गया, कैसा इलाज किया, किस तरह का इलाज होगा? एकदम मस्त भारी इलाज किया। अच्छा हो गया इलाज? एकदम अच्छा हो गया। तभी कैसा लग रहा है शराब छोड़ने के बाद में? एकदम चांगला हो रहा, एकदम अच्छा लग रहा है। काम क्या करते हैं आप? मेंढिया वाली। हाँ, मेंढिया 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 धनगर धनगर है, धनगर बकरी चराने का है, मेंढिया था बकरी चराने का। हाँ, तो कितने पीते थे रोज की शराब? अरे ते इथून नका, एक घंटा आम्हाला दोस्त सापडला, दोन भी होऊन जायच्या, एक घंटा आम्हाला चार भी होऊन जायच्या। आपका दोस्त मिलने के ऊपर है कि कभी ये दोस्त मिल गया वो ज्यादा पीते थे तो आपको कितने कम जा बाबा तिकडे? हां, तुझा मजा संपला। हां, ठीक है मेरा भी। ओके, गुड, वेरी गुड। तभी कम से कम आपको एक साल तक आपको अभी शराब छोड़ने की दवा लेने की है। हां बाबा, चल एक साल भर, तो महीने के महीने आपने यहाँ आने का है, महीने के महीने आने के बाद में ये आपने ये दवा लेने की है ताकि आप ये हरदम के लिए छोड़ेंगे, ठीक है ना। ये गोली ऐसी है कि ये गोली के ऊपर यदि आप शराब लेते हो तो उसकी बहुत ज़्यादा रिएक्शन आ जाती है शराब लेने के बाद में, उल्टियाँ आती है, घबराहट, बेचैनी, ऐसा लगता है। हाँ, तभी ये गोली जब खाएंगे आप तो इसके ऊपर शराब लेने की नहीं, शराब लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। मंगेला काम होता। हाँ, और अभी आपने अकेले नहीं छोड़ने का नहीं है, अभी आपके गांव के, आपके समाज के, आपके परिवार के जितने भी लोग होंगे उनको आप शराब छोड़ने के लिए प्रवृत्त करो, उनको यहाँ लेके आ जाओ और उनके लिए स्टैंड लो, ठीक है ना। मैं ये जाएंगे। ओके, गुड, ठीक है फिर। आपका कौन है? आप आपका लड़का है ये? हाँ, अभी आपको कैसा लग रहा है? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक लग रहा ना अभी छोड़ दिया तो? हाँ, ठीक है, महीने से महीने लेना पड़ेगा ना। हाँ, एक महीने के एक महीने में आना है और दवा चालू रखनी है, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो ये आपने पेशेंट को देखा, तो इस तरह के सभी मतलब काफ़ी लोग हमारे यहाँ आते रहते हैं शराब छोड़ने के लिए और उनका इलाज हमारे यहाँ होता है। फिर हम उनको फॉलोअप के लिए बुलाते हैं महीने के महीने, उनको डायसल्फ्यूरम की दवाई भी देते हैं और उनका जीवन वो अच्छा कर लेते हैं। तो ये वीडियो जो है ये बहुत अच्छा आपको लगा तो ज़रूर शेयर करो। मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसनमुक्त भारत, ये हमारा संकल्प है। ये वीडियो आप लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप यदि शेयर करोगे तो लोगों को एक साइको एजुकेशन हो जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी होंगी और लोग अपना अपना इलाज अपने अपने जगह पर कर सकते हैं। हम ऑनलाइन भी कंसल्टेशन करते हैं कि जहाँ लोग हमको ऑनलाइन कॉन्टैक्ट करके काउंसिलिंग कंसल्टेशन ये करते हैं और ऑनलाइन लोगों का काउंसिलिंग करके हम इलाज भी करते हैं। तो आप ये ज़रूर ज़्यादा लोगों को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके जो घंटी आती है ना, बेल का आइकॉन आता है, उसके ऊपर क्लिक करो
ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।